हाय गाइस, इट्स स्पर्श पालीवाल और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। तो दोस्तों, ऑफन आप नई चीज़ें सीख रहे होते हैं, जैसे म्यूजिक प्रोडक्शन, कुकिंग, प्रोग्रामिंग, या फिर यू आर न्यू इनटू फिटनेस। आप सीखना चाहते हैं कि बेंच प्रेस कैसे करना है, स्क्वाट कैसे करना है, और आपको चाहिए होते हैं लोग जो आपकी हेल्प कर सकें। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि वेयर कैन यू फाइंड दिस हेल्प। आज की तारीख में अगर आप कहीं पे भी स्टक हो जाते हैं तो यू ऑफन गो टू गूगल और आप वहाँ पे सर्च करते हैं। आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको लिंक्स मिलती हैं यूट्यूब की, स्टैक ओवरफ्लो की, या फिर कोरा की, और जहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे आर्टिकल्स आपको मिल जाते हैं अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के। तो इन रिसोर्सेज के कुछ बहुत अच्छे फ़ायदे होते हैं कि ये जो व्लॉग्स होते हैं, ये लोग जो बनाते हैं, दे आर लाइक प्रोज इन देयर फील्ड, और इन लोगों ने काफ़ी अच्छे से रिसर्च किया हुआ होता है इस कंटेंट के ऊपर, और फिर ये आपके सामने ये सारी चीज़ें पुट अप करते हैं। पर इन रिसोर्सेज के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। पहला नुकसान ये है कि ऑफन टाइम्स ऐसा होता है कि इफ़ यू आर लाइक वे टू मच इन टू अ थिंग, आप काफ़ी डेप्थ में चले जाते हैं और आपका क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक है, तो आपको ऐसे व्लॉग्स या पर्टिकुलर वीडियोस या आर्टिकल नहीं मिल पाते हैं जो एग्जैक्टली आपके क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे हैं। तो इन सब रिसोर्सेज का दूसरा एक नुकसान होता है कि दीज आर मोर और लेस वन वे। किसी ने कुछ लिख के छोड़ दिया है और आप उसे रीड कर रहे हैं। अगर आप उसको टू वे बनाना है तो मे बी आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं, एंड इफ़ यू आर लकी तो कमेंट्स का रिप्लाई आएगा, और अगर नहीं है लकी तो वो कभी नहीं आएगा। इवन इन द केस कि अगर आपके रिप्लाईज आते हैं तो ये कम्युनिकेशन बहुत असिंक्रोनस होता है। असिंक्रोनस का मतलब कि आपने आज रिप्लाई किया, उन्होंने कल रिप्लाई किया, फिर आपने 3 दिन बाद रिप्लाई किया, फिर शायद उनका रिप्लाई आए या ना आए। तो इससे हम काफ़ी दिनों तक के लिए स्टक रह सकते हैं और हमें हमारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन नहीं मिलते हैं। अब हम आएंगे उन रिसोर्सेज के ऊपर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और जिनके कुछ अलग फ़ायदे हैं और ये सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं जो हमारे कन्वेंशनल रिसोर्सेज नहीं कर पाते हैं। इन रिसोर्सेज में से पहला रिसोर्स एक ऐसा है जिसमें आपको पहले से कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रिसोर्स है डिस्कॉर्ड। तो डिस्कॉर्ड बेसिकली एक टेक्स्ट एंड वॉइस चैट की एक वेब ऐप, आपके मोबाइल के लिए भी ऐप आती है, आपके टैबलेट के लिए भी ऐप आती है, और एक वेबसाइट भी है इन लोगों की। तो वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, जैसे म्यूज़िक प्रोडक्शन वाले लोगों का एक ग्रुप है जहाँ पे 5-6 हज़ार लोग हैं, वहाँ पे वीडियो बनाने वाले लोगों का ग्रुप है जहाँ पे 5-6 हज़ार है, फिटनेस कम्युनिटी का ग्रुप है। तो इस तरीके से ढेर सारी चीज़ों के काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं और आप जाकर के उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे वो सारे लोग उस चैट में लाइव होते हैं और आप उन लोगों से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो देयर इज दिस ऑल्सो वेबसाइट कॉल्ड रेडिट। अगर आपने रेडिट के बारे में नहीं सुना है तो बेसिकली रेडिट एक वेबसाइट है जिसमें छोटे छोटे सब रेडिट होते हैं। सब रेडिट मतलब होता है कि छोटे छोटे ग्रुप्स ऑफ पीपल। तो सब रेडिट में एक कम्युनिटी होती है, तो जैसे इंडिया की एक कम्युनिटी है तो इंडिया के 1000-2000 लोगों ने एक छोटा सा ग्रुप बना रखा है जहाँ पे वो इंडिया रिलेटेड सारी न्यूज़ शेयर करते हैं। इसी प्रकार से एक दूसरा ग्रुप हो सकता है फिटनेस का, जहाँ पे फिटनेस रिलेटेड आर्टिकल्स, फिटनेस रिलेटेड ब्लॉग्स और वीडियोस लोग बाग शेयर करते हैं, या फिर लोग बाग खुद के वीडियोस वहाँ डाल के लोगों से पूछते हैं क्या मैं सही प्रॉपर फॉर्म में एक्सरसाइज कर रहा हूँ, आप लोग बता सकते हैं। और रेडिट पे लोग बाग उन सब चीज़ों के कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि हाँ आप सही कर रहे हैं या फिर सही नहीं कर रहे हैं। तो क्योंकि डिस्कॉर्ड फ्री था तो रेडिट की ये सारी जो कम्युनिटीज़ थी, इंडिया, फिटनेस, म्यूज़िक प्रोडक्शन, इन लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग लाइव कम्युनिकेशन के लिए एक ग्रुप बना ले डिस्कॉर्ड के ऊपर। तो उन लोगों ने जैसे रेडिट पे ग्रुप्स थे वैसे ही ग्रुप्स डिस्कॉर्ड पे बना लिए। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि अगर मुझे कभी भी फिटनेस की या फिर म्यूज़िक प्रोडक्शन की हेल्प चाहिए तो मुझे बस कुछ नहीं करना है, मैं सीधे जाता हूँ उस डिस्कॉर्ड चैनल पे एंड आई जस्ट टाइप गाइस कैन यू हेल्प मी विद दिस एक्स वाई जेड थिंग, और सडनली मुझे चैट में रिप्लाई आ जाता है कि हाँ यू कैन डू दिस इन दिस वे और अनदर वे। अब जब मैं लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा होता हूँ, एक तो मैं नए नए लोगों को जानता हूँ, और फिर उन लोगों के बारे में जानने के बाद वो लोग चीज़ें कैसे करते हैं उनकी प्रोसेसेस के बारे में जानता हूँ और मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा जिनमें डिस्कॉर्ड ने मेरी बहुत हेल्प की थी। तो पहली है कि जब मैं प्रोग्रामिंग करता था तो एक रिएक्ट करके चीज़ होती है, तो रिएक्ट जिन लोगों ने क्रिएट किया था उनमें से कुछ डेवलपर्स और दुनिया के सबसे अच्छे डेवलपर्स एक डिस्कॉर्ड चैनल जिसका नाम था रिएक्ट फ्लक्स, वहाँ पे ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम ऑनलाइन रहते थे। और जब मैं अपनी एप्लीकेशन डेवलप कर रहा था, मुझे जो भी हेल्प चाहिए होती थी मैं सीधे इन लोगों से पूछ लेता था, और ये लोग मुझे हमेशा जो सबसे ऑप्टिमाइज और सबसे अच्छा तरीका होता है चीज़ें करने का वो बताया करते थे, क्योंकि इनको मालूम होगा, क्योंकि ऑब्वियसली इन्हीं ने ही क्रिएट किया है। तो इस तरीके से
ये रिसोर्स यूज़ करके मेरे को सीधे सीधे रिएक्ट के क्रिएटर्स के साथ एक्सेस मिल गया और एक सिंक्रोनस कम्युनिकेशन मिल गया, जहाँ पे मैं कंटिन्यूसली उनसे लाइक थ्रूली बात कर सकता हूँ कि ये ऐसा करना है तो वो ऐसा करना है, और वो मुझे काफ़ी सारी चीज़ों पे करेक्ट भी कर देते थे। दोस्तों दूसरा एग्जांपल है कि जब मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन का अपना पूरा सेटअप कर रहा था तो मुझे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि कौन सा केबल यूज़ करना है, कौन सा माइक यूज़ करना है। तो उसके लिए मैं सीधे /prod करके एक डिस्कॉर्ड का चैनल है वहाँ पर गया और लोगों को एक सवाल डाला कि गाइस कैन यू हेल्प मी कि मैं कैसे इस चीज़ को फिक्स कर सकता हूँ, और उन लोगों ने इंस्टेंटेनियसली मुझे रिप्लाई कर दिया। और फिर उसके बाद हमने काफ़ी कन्वर्सेशंस किए उसी सेम चैट रूम में और काफ़ी सारी चीज़ें मेरे लिए क्लियर हो गई। तो दूसरा सोर्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है ट्विटर। दोस्तों ट्विटर पे काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोग्रामर्स ऑनलाइन प्रेजेंट रहते हैं, तो ऑल आई डू इज़ कि मैं उनको जाके फॉलो करता हूँ, और उनको फॉलो करने के बाद अगर उन्होंने उसी डायरेक्शन में काम किया है जिसमें मैं अभी करेंटली कर रहा हूँ, तो मैं उनसे जाकर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ कि ये चीज़ कैसे करनी है, ये चीज़ कैसे नहीं करनी है। लेकिन इसके लिए थोड़ी सी मेहनत चाहिए पड़ती है कि आपको सर्च करना पड़ता है कि कौन वो लोग हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है और फिर उनको मैसेज करना पड़ता है। वो लोग कभी कभी रिप्लाई नहीं भी करते हैं, बट स्टिल इट इज़ अ वैल्यूएबल रिसोर्स, क्योंकि मेरे को काफ़ी ज़्यादा पर्सनली इस तरीके से एटलीस्ट प्रोग्रामिंग डोमेन में काफ़ी हेल्प मिली है। तो दिस इज़ अ प्रो टिप कि इफ़ यू आर इन प्रोग्रामिंग डोमेन तो प्लीज़ ट्विटर पे जाइए और ट्विटर पे लोगों को फॉलो करिए, उनको मैसेज करिए और उनसे जितनी हेल्प ले सकते हैं उतनी हेल्प लीजिए। मैं आपको रेडिट के बारे में काफ़ी कुछ बता ही चुका हूँ, लेकिन रेडिट ऑल दो असिंक्रोनस है, लेकिन दोस्तों मैं जब भी वहाँ पे किसी भी टाइप की क्वेरी डालता हूँ तो मुझे ऑलमोस्ट हमेशा रिप्लाइज मिल जाते हैं। सो दैट इज़ अगेन रियली रियली वैल्यूएबल। तो रेडिट एक ना एक तरीके से कन्वेंशनल हमारे जो रिसोर्सेज हैं गूगल सर्च करना उसको एक तरीके से उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है कि आप कोई बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जो ऑलरेडी किसी ने ब्लॉग या ब्लॉग के फॉर्म में रिप्लाई नहीं आंसर नहीं किया हुआ है ऑनलाइन, तो आप रेडिट पे जाके वो क्वेश्चन पूछिए और रेडिट पे आपको मे बी एक घंटा दो घंटा या फिर 5-6 घंटे में उसका रिप्लाई मिल ही जाता है। प्लस रेडिट की कम्युनिटी काफ़ी अच्छी है तो वो लोग आपको काफ़ी नई नई चीज़ें भी बता देते हैं, तो नॉट श्योरली एज गुड एज अ चैट जैसा डिस्कॉर्ड होता है, बट स्टिल टू मच वैल्यूएबल। इनफैक्ट कुछ सिनेरियोज में रेडिट पे ज़्यादा अच्छे आंसर मिल जाएंगे आपको फ्रॉम डिस्कॉर्ड एज कम्पेयर टू डिस्कॉर्ड। इन सारे रिसोर्सेज से कुछ बहुत बढ़िया फ़ायदे होते हैं जो आपको कन्वेंशनल जो आप सर्चेस करते हैं उनमें नहीं मिलते। जैसे कि मैं बहुत बार कोई नई चीज़ बनाता हूँ एंड आई जस्ट शेयर ऑन दीज रिसोर्सेज, जैसे कि मैंने कोई सॉन्ग बनाया तो मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन के चैनल पर शेयर कर दूंगा और उनसे बोलूँगा प्लीज़ आप इसमें मेरे को फीडबैक दे सकते हैं कि मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, तो दे लिसन टू इट इंस्टेंटली एंड दे रिप्लाई मी बैक। दूसरा एग्जांपल मैं दूंगा कि जैसे कुछ दिन पहले मैंने रेडिट पे अपने स्क्वाट का फॉर्म डाला था एंड दे हेल्प्ड मी कि क्या इस पर्टिकुलर फॉर्म में प्रॉब्लम है एंड दे हेल्प्ड मी फिक्स इट, सो आई विल जस्ट शो यू कि कैसे उन लोगों ने दिखाया। कन्वर्सेशंस दे आर रियली इंपॉर्टेंट, राइट? जब हम अब बचपन में लर्न करते थे तो हमारे पास टीचर्स हुआ करते थे, दोस्त हुआ करते थे, तो जब आप कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम किसी को डिस्क्राइब कर रहे होते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ में गलत हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप वहाँ तक जिस तरीके से पहुँचे उस चीज़ में भी कुछ गलतियाँ होती हैं। तो आप जैसे इमेजिन करिए डिस्कशन कर रहे हैं डिस्कॉर्ड से किसी के साथ, तो वो बोलेगा कि नहीं यार जो तू क्वेश्चन पूछ रहा है वो गलती नहीं है, तूने जो 4 स्टेप पहले चीज़ की है वो गलती है। तो ये आप अपनी प्रॉब्लम्स को काफ़ी जल्दी पॉइंट आउट कर पाएंगे डिस्कॉर्ड में, प्लस क्योंकि आप इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एट अ टाइम जा रहे आ रहे हैं उन लोगों के पास कि आप उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे और काफ़ी सारी नई चीज़ें सीख सकते हैं, और जो प्रॉब्लम्स काफ़ी छोटी होते हैं जिनको ढूंढना बहुत मुश्किल होता असिंक्रोनस कम्युनिकेशन में, स्टैक ओवरफ्लो या फिर कहीं और पे, वो यहाँ पे रिलेटिवली कम टाइम में आप ढूंढ पा सकते हैं। अब मैंने आपको रिसोर्सेज तो बता दिए, लेकिन आपकी ड्यूटी यहाँ ख़त्म नहीं है। अब आपको थोड़ी सी एक और चीज़ सीखनी होगी कि अच्छे सवाल कैसे पूछते हैं। तो मैं आपको 2 छोटी सी टिप दूंगा, अगर आप उनको दिमाग में रखेंगे तो आप हमेशा लोगों से अच्छे सवाल पूछ पाएंगे। कभी भी कोई भी क्वेश्चन ऑनलाइन पुट करें तो ऑलवेज उस क्वेश्चन में दिखना चाहिए कि आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट पुट कर चुके हैं। ऑब्वियसली अगर किसी चीज़ का आंसर आपको गूगल करके मिल सकता है तो प्लीज़ आप जाकर के लोगों से इस तरीके से ना पूछें लाइव, क्योंकि वो लोग बोलेंगे कि यार तुम कितने आलसी आदमी, जब गूगल पे इसका आंसर है तो वहाँ पे पढ़ के ढूंढ लो। तो हमेशा दिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि यार मैं ये गूगल पे पढ़ चुका हूँ, जेन्युइनली मैंने पढ़ा है एंड स्टिल आई एम फेसिंग द प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी। तो ये जब आप अपना क्वेश्चन लिख रहे हैं और आपने जेन्युइनली एफर्ट पुट किया है रिसर्च में, तो ये क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो पहला पॉइंट कि जेन्युइनली शो दैट यू हैव गिवन योर बेस्ट टू फाइंड अ सोल्यूशन, बट आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा। ये चीज़ मैं लोगों को बता के थक चुका हूँ, लेकिन दिस इज सुपर इम्पॉर्टेंट। बी स्पेसिफिक,
विद द क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग. अगर आप किसी को बोलोगे कि भाई ये पूरा मेरा 1000-2000 लाइन का कोड है, इसको उठा करके पूरा आप देखिए और बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो भाई वो इंसान अपने घर पे बैठा हुआ है, तुम उसको पैसे नहीं दे रहे हो, वो क्यों तुम्हारा 1000-2000 लाइन का कोड पढ़ेगा, या फिर क्यों वो बैठ करके तुम्हारा पूरा म्यूज़िक प्रोडक्शन का सेटअप देखेगा, या फिर वो तुम्हारी क्यों एक घंटे की कोई वीडियो देखेगा ये बताने के लिए कि तुम ये चीज़ गलत कर रहे हो. इंस्टेड सरफेस एरिया को छोटा करिए और बोलिए कि ये 4 लाइन का कोड मैंने लिखा है, इसमें एग्जैक्टली आप बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है. तो मैं आपको एग्जाम्पल देने वाला हूँ कि एक अच्छा क्वेश्चन कैसा दिखता है. तो कुछ दिन पहले ही मैंने बैकस्लैश प्रॉड जो डिस्कॉर्ड पे चैनल है वहाँ पे लोगों से एक सवाल पूछा था, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने किस तरीके से वो सवाल पूछा है. तो सबसे पहले मैंने बता रखा है कि मेरा सेटअप क्या है, ये चीज़ें हैं मेरे पास, ये इंटरफेस है, मेरे पास ये माइक है और मैं ये केबल यूज़ कर रहा हूँ. फिर मैंने उनको बताया कि मुझे प्रॉब्लम क्या आ रही है, स्पेसिफिकली उन्होंने 2 पॉइंट लिखे हैं. फिर उसके बाद मैंने बताया कि मैंने ऐसा क्यों किया, अजम्पशन कि मेरे दिमाग में ये है कि वाई दिस शुड वर्क एंड ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं लेकिन नहीं आनी चाहिए, ऐसा मुझे क्यों लगता है, मैंने वो बताया. और फाइनली मेरे क्वेश्चन जो मैंने पूछा कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए तो ये सही हो जाएगा, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए तो ऐसा हो जाएगा. तो ऑब्वियसली बंदे को सारी इन्फॉर्मेशन ऊपर से नीचे तक मिल चुकी है, पहले ही क्वेश्चन देके सामने वाले को पता चल जाएगा कि बंदे ने क्वेश्चन लिखने में तक एफर्ट डाला है, प्लस मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि मेरा ये अजम्पशन है, तो उनको समझ में आएगा कि हाँ अजम्पशन जो अगर आप देखेंगे तो वो काफ़ी मैंने रिसर्च करके और सोच करके ही लिखा है, तो उन लोगों को भी समझ में आएगा कि बंदे ने एफर्ट डाला है. तो पहली चीज़ हो गई है कि हाँ बंदे ने एफर्ट डाला है, सामने वाले को दिख रहा है. दूसरी चीज़, यू हैव टू बी स्पेसिफिक. तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन एक एक लाइन के मैंने सिर्फ 2 पूछे हुए हैं कि क्या मुझे XLR मेल टू फीमेल यूज़ करनी चाहिए और मैं क्यों नॉइज़ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ डायनामिक माइक्रोफोन है. तो मैं बहुत स्पेसिफिक हूँ, प्लस दिख रहा है क्वेश्चन में कि मैंने एफर्ट डाला है. सो दिस इज़ वन काइंड ऑफ रियली गुड क्वेश्चन दैट यू कैन आस्क. अच्छा दिखा दिया है लेकिन लोग बुरा नहीं दिखाते, तो मैं आपको बुरा भी दिखाने वाला हूँ. तो दोस्तों, मैंने खुद से घटिया सवाल पूछ पूछ करके लोगों से लर्न किया है कि अच्छे सवाल कैसे पूछते हैं. तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा जो कि मैंने एक बहुत अच्छे डेवलपर है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, उनसे पूछा था हेल्प के लिए, लेकिन फिर ही वॉज ओवरवेल्म्ड और इवेंचुअली उनने मेरे से बात करना ही छोड़ दिया, क्योंकि उनको भी ऐसा लगता हुआ कि मैंने बंदे की हेल्प नहीं की तो लेट इट बी, मैं इससे बात ही ना करूं. तो दोस्तों, एक्चुअली मैंने एक लाइब्रेरी बनाई थी प्रोग्रामिंग की, कोडिंग की, और मैं उस पर उनका फीडबैक चाहता था. अब आपको बता दूं, इस लाइब्रेरी में कम से कम 3-4 हज़ार लाइन का कोड था और मैंने बोला उनको कि सर ये लाइब्रेरी है, प्लीज़ आप रिव्यू करके बता सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या है. आई वाज सो स्टूपिड. ऑब्वियसली उनका रिप्लाई कुछ ऐसा आया कि हे लुक्स प्रॉमिसिंग बट वेयर इज द थिंग, वेयर शुड आई स्टार्ट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. तो ऑब्वियसली अगर मैं थोड़ा स्पेसिफिक हो पाता कि सर ये पर्टिकुलर एरिया है, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये सही है, फिर कुछ दिन बाद मैं शायद उनसे दूसरा सवाल पूछता और ऐसे ऐसे करके अपना कोड इम्प्रूव करता तो रिलेटिवली बेटर रहता. तो दिमाग में हमेशा ये रखो यार कि उन लोगों को क्या मिल रहा है तुम्हारी हेल्प करके, उनको तुम पैसा तो दे नहीं रहे हो. तो इफ दे आर लाइक हेल्पिंग यू आउट फॉर फ्री, मेक इट एज ईजी एज इट कैन बी फॉर देम. ऑलमोस्ट वीडियो के एंड पे आ गए हैं और आखिरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या गलत हो सकता है इन रिसोर्सेज के साथ. तो पहली प्रॉब्लम यह है कि ये लोग जो आपकी हेल्प कर रहे हैं इस चैट रूम में या फिर रेडिट पे, ये लोग ज़रूरी नहीं है कि अपनी इंडस्ट्रीज़ के लीडर्स हों या फिर बहुत बड़े प्रोफेसर्स हों या टीचर हों, तो ये लोग हमेशा सही नहीं हो सकते. बट दोस्तों, मैं भी कोई प्रो नहीं हूँ, बट आई ट्राई टू हेल्प यू आउट. अगर आप एकदम किसी फील्ड में नया नया स्टार्ट कर रहे हैं और ये लोग इमेजिन करिए कि अगर आप 0.1 पे हैं, 0 से 1 में, अगर आप 0.1 पे हैं और ये कहीं 0.5 पे हैं, तो ये एटलीस्ट आपको कुछ नए टर्म्स बता सकते हैं, कुछ नए रिसोर्सेज बता सकते हैं जिनको पढ़ के आप एटलीस्ट 0.5 तक तो रीच कर सकते हैं. तो आई वुड से कि नेवर टेक वॉट एवर दे से एज होली ग्रेल कि हाँ इनने जो बोल दिया ये सही है, लेकिन वो जो चीज़ें बताएं उन सबको और पढ़ो इंटरनेट पे और अपने खुद के ओपिनियंस और अपने खुद का नॉलेज डेवलप करो. तो वो जो भी बता रहे हैं दैट इज श्योरली इनवैल्यूएबल, बट ये याद रखना कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा हमेशा पूरा का पूरा सही हो. तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप सवाल पूछेंगे इन पीपल से कि यार तुम कितने स्टूपिड हो एंड ऑल दिस थिंग, एंड दिस इज पर्सनली हैपेंड विथ मी अ लॉट, बिकॉज श्योरली ये लोग काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ कर चुके हैं. तो उन लोगों के लिए जब हम बेवकूफ़ क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको लगता है कि कैसे मूर्ख लोग हैं. बट डोंट बी सैड अबाउट इट.
कुछ लोग ऐसे होते हैं लेकिन बाकी लोग आपकी हेल्प करना चाहेंगे एंड दे विल श्योरली हेल्प यू, दे विल कीप दिस इन माइंड कि सॉल्टी पीपल हैं तो कोई बात नहीं, जस्ट टेक इट हैप्पीली, क्योंकि मेरे को तो उल्टा उनके जो फनी कमेंट्स होते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, उनको पढ़ के भी बहुत हंसी आती है, तो एक कमेंट दिखाता हूँ मैं आपको, बट हाँ, तो डोंट टेक इट टू हार्ट एंड जस्ट कीप ऑन वेटिंग फॉर अदर पीपल हु विल आंसर. तो ऐसा भी कभी कभार होता है कि रेडिट पे या फिर डिस्कॉर्ड पे कभी कभी कुछ कम्युनिटीज एक्टिव नहीं होती हैं, तो क्वेश्चन पूछने से पहले या फिर क्वेश्चन डालने से पहले एक बार देख लें कि इस कम्युनिटी में टोटल कितने लोग हैं, कितने लोग अभी यहाँ पर ऑनलाइन हैं. ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगी क्योंकि आपका समय वेस्ट नहीं होगा फालतू की कम्युनिटीज़ में क्वेश्चन डाल के वहाँ पर वेट करने से. तो दोस्तों, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो और आई होप कि इस वीडियो के बाद आपकी ऑनलाइन सर्च करने की जो स्ट्रैटेजी है वो किसी हद तक चेंज हो जाएगी और आप ज़्यादा बेटर वे में चीज़ें सर्च कर पाएंगे एंड यू वोंट बी स्टक एज लॉन्ग एज यू यूज टू. सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. स्पर्श पालिवाल साइनिंग आउट. और सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए. और शेयर क्यों नहीं करते यार, शेयर करो. नीचे यार हल्ला हो रहा है, मैं तब भी वीडियो बना रहा हूँ, मतलब कितने कितने तकलीफ में हूँ मैं. नीचे जाके बोल के आया मैं उनको, आवाज़ बंद कर. See you in the next video.